नूरे जहान है और हम काफी एक्साइटेड थे क्योंकि हमने जितना थंबनेल में देखा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लग रही है और बहुत ही ऐसी है वो एक डोमिनेंस होता है ना एकदम फाइटर वाला तो हम बहुत एक्साइटेड लेट्स सी क्या होने वाला नाम भी जैसा है नूरे जहान बहुत ऐसा लग रहा है कि ठीक है बहुत तोड़ होने वाला है ठीक है लेट्स स्टार्ट टीज़र वन हमारे पास बहुत सारे वैसे इस बार भाई ऐसे कम कम होते हैं ऐसे लोग जो आंखों के तकते ही दिल में उतर जाएं और दिल कहे ऐसे ही अमर ऐसे वकार और ऐसी वजादारी काश हमारे अंदर भी होती क्या क्या नहीं इस औरत के अंदर मर मिटने वाली माँ जान छिड़कने वाली सास एक इकलौती औरत में कहाँ होती है इतनी सारी खूबसूरत औरतें यकीन नहीं आता ना तो देख लो अपने नाम की कसौटी पर परखी हुई नूर जहां तुम्हें कैसे लगा कि तुम मेरी जगह पर बैठ सकती हो बगैर मेरी इजाजत के घर के कलेश अंदर ही अंदर क्या पता लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस मोर गोइंग टू बी अबाउट पावर बट आई डोंट थिंक सो ये कोई सास बहू ड्रामा होने वाला मतलब वैसे कुछ और हो तो और मजा आए एकदम डोमिनेंस ऐसे यू नो पावर गेम लग रहा है कि ठीक है ये सब लेंगे कुछ जगह मेरी जगह पे इजाजत ये करने के बाद भी अच्छे से नहीं बोलता ओके वैसे नूर जहान को काफी हद तक नेगेटिव दिखा दिया ना वो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव इनके वजह से नेगेटिव वही सिर्फ अपने घर वालों की तरफ लाइक यू नो खुद के बच्चों की तरफ वो बहुत पॉजिटिव हो आई डोंट नो क्या इनके साथ कोई अलग दुश्मन ठीक है टीज़र टू एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था अनापरस्त मगरूर खूबसूरत ऊंचे लंबे कक्का मालिक लेकिन उसके महल के दरवाजे ऐसे थे कि उसे जरा छुप कर दाखिल होना पड़ता था वजीर ने मजदूर बुलाए उन्हें कहा मेरे दरवाजे ऊंचे कर दो इतने ऊंचे कि मैं जितनी बार भी अंदर दाखिल हूँ सर उठाकर अंदर दाखिल अभी वो हुक्म की तामील करने ही लगे थे कि दाई आती है खबर देती है कि बेटी पैदा हुई है बादशाह का सारा गुरूर झाप की तरह बैठ गया वजीर से कहता है मजदूरों से कहो दरवाजे नीचे कर दें इतने कि मुझे और झुककर अंदर दाखिल होना पड़े क्योंकि अब मैं बेटी का बाप मुझे देखो मैं अपने बेटों की वजह से सर उठा कर चलती हूँ किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी किसी भी बात की नफी कर सके अब यही बेटियां बड़ों के माए बनती है ना
मेरी माँ भी तो बेटी ही थी ना। मुझे खुशी है कि मैं इंसिया का बाप हूँ, मुझे फख्र है कि वो मेरी बेटी है, मेरे दिल की ठंडक है। नूरजहां देखिए 25 मई से हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। अपन ने तो बहुत ही अलग सोच लिया था, ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा। वैसे नूरजहां हाँ, वो लास्ट में ही रियलाइज हो गया था। बट तो क्या होने वाला है मेरे को समझ, एक सेकंड, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे क्या थे? कौन वो जो दादाजी दिखाए, मतलब जो अंकल एज दिखाए, शायद बेटी कुबरा एंड एक साइड, मतलब दो स्टोरीज दिखाई है ना, एक तो कुबरा के पापा और एक जो नूरजहां है उनके लड़के। हाँ एंड आई थिंक वो उसके कुबरा उनके बेटे से शादी करने वाली है, तभी तो वो एक फैमिली में आ रहे हैं और वो उसकी फैमिली में एंटर कर रही है। भाई इसका कॉन्टेक्स्ट तो बहुत अलग निकला, ये उस चीज पर बेस्ड है? आई डोंट नो किस चीज पर, मतलब ये बेटी वाली चीज पे कि मुझे फक्र है कि मेरे बेटे हैं इसलिए मैं सब उठाके चलती हूँ। एस्पेक्ट्स होने वाले हैं वो, बट ये वाला टीजर तो कम्प्लीटली उसी चीज पे था। जैसे ये कह रहा था कि मुझे वो है, अरे इनको आप, मेरी माँ भी एक बेटी ही थी, ये वो अच्छे थे भाई। उनको कहाँ देखा है अपन ने? अरे बहुत याद नहीं आ रहा मुझे, बट देखा। ये माहिरा खान वाले इसमें जो वो लड़का बनता है जो बदमाश निकल जाता है बाद में, ओ हाँ हमसफर, हमसफर, यस राइट 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 करेक्ट। भाई अब तक सेम दिखता है वही बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, आज का दिन ज्यादा खूबसूरत है या तुम? आज का दिन, कल का दिन और आने वाला वो हर दिन जो हम साथ गुजारेंगे खूबसूरत ही होगा। ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे लिए? ये अंगूठी उन्होंने मेरी होने वाली बेबी के लिए दी और उसी के लिए मैंने इश्क कर लिया तो इश्क मांगो, उन्हें मोहब्बत करूंगा तो शादी भी करूंगा, मत की तरह। अपने डैड से कहूंगी मैं शादी करूंगी, सिर्फ तुमसे करूंगी, तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करूंगी। खुश बहुत चालाक औरत है, मुंह पे मुस्कुराएगी लेकिन बात मेरी मोहब्बत की शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, तो मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया। हिसाब बराबर। नूरजहां बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। बदला बदला कुछ चल रहा है, वो हमसफर वाला घर था जो आधे सीन्स थे उन्होंने रियलाइज किया, लेकिन इफ बहुत वेल रोल लिया यार उसको। हाँ आई डोंट नो, अभी के लिए टीजर ऐसे लग रहे हैं कि वो लोग सास बहू को कुछ और दिखाने की ट्राई कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो सास बहू बन जाएगा ऐसा लग रहा है देखने पे, क्योंकि मेन क्लैश इन दो के बीच में है, वो अंकल कुबरा के डैड एंड कुबरा की सास के बीच में। बट अल्टीमेटली वो कुबरा और उसकी सास के बीच में होने वाला है। हाँ वो तो उन्होंने कहा ना बदला, उनके डैड ने गलत किया होगा ना इनके साथ, तभी तो उन्होंने डायलॉग कहा था मोहब्बत की शादी को मेरे लिए गाली बना दिया है। तो अब पता नहीं उन्होंने, वो सिर्फ कुबरा को ही, कुबरा के लिए बोल रही हो, वो भी हो सकता है कि नॉट जस्ट कोई पास्ट की चीज, हो सकता है अभी की चीज के लिए भी बोल रहा हो सकता है ये चीज, इसलिए मैंने उसकी बेटी के लिए उस शादी को गाली बना दिया है, तो ऐसे साउंड कर रहा है। बट हाँ ऐसे अब तक ठीक लग रहा है, ऐसे बहुत ही क्रेजी स्टोरी नहीं लग रही है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन कैसा हो? हाँ वही, एक्चुअली ARY है ना, इसीलिए मैं दिमाग में बेनिफिट ऑफ डाउट रख रही हूँ कि नहीं ये कुछ और हो सकता है, क्योंकि इनके हमेशा काफी हटके रहते हैं स्टोरीज, और कभी एकदम एक सिंगल लेन में नहीं जाते इनके। आई थिंक ARY के कितने ब्लॉकबस्टर्स हैं और अलग अलग इनके कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग वे से एग्जीक्यूशन होता है, लाइक इवन एक सिंपल लव स्टोरी को भी ये लोग बहुत बहुत अलग वे से दिखाते हैं, मैक्सिमम देख भी नहीं पाते क्योंकि ऑब्वियसली ARY है, लेकिन इनके ड्रामास आई थिंक जो सबसे रिकमेंडेड होते हैं उनमें से ARY होता है, और हर बार हमारा यही रोना हो जाता है कि हम ARY नहीं ही कर सकते हैं। चलो टीजर 3, मैं बड़े बड़े कामों के लिए बनी हूँ, मेरी जिंदगी फोर्स के झाड़ू पोछे और किचन की हांडी से बहुत बड़ी, सात गांव के लोग आके मेरे हाथ चूमते हैं, मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ,
नूरजहां को नहीं जानती, वो गिरगिट से भी जल्दी अपने रंग बदलती है और उसकी औलाद भी उस जैसी है। देखो एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरे लिए नूरू मामा से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। आपके बेटों ने मिलकर मेरे बाप को मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को मारने की? पर मैंने आपके बेटों को आपस में भिड़वा दिया। क्या बुरा किया? पॉलिटिशियन और है तो ये गेम होने वाला है पूरा माइंड गेम। वाओ इट इज गोइंग टू बी फन यार, ये वाला वॉच एंड स्पेशली जब आप लीड कैरेक्टर्स को ऐसे करते हुए देखते हो, प्लॉट ट्विस्ट जैसे रख दिया चीजों को। एंड दिस इज द टाइम जब वो टीजर्स नहीं पसंद है, जब अपन को लगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, और सीरीज देखते टाइम पता चलता है कि अच्छा ये ऐसा है। अब हमें टीजर्स से पता चल गया तो ठीक है कि ए आर आएगा, एक हम लोग देखने नहीं वाले तो ठीक है, बट इट इज गोइंग टू बी फन। ये वाला टीजर तो बहुत मजेदार लग रहा था यार, और कोई गेम खेल रहा है यहाँ पे तो ठीक है। मेन गेम तो कुबरा ही खेल रही है, फिर कुबरा बजाएगी सबकी। इसकी मम्मी है नूरजहां भी है, वो भी कोई पॉलिटिशियन या कुछ है क्या? नूरजहां उनकी बेटी भी, उनकी बेटी कुबरा का भी नाम नूरजहां नूर है। हाँ। नहीं क्योंकि वो बोले मेरी नूरजहां, उसके डैड ने कुबरा ने कहा था ना, कुबरा के डैड ने कहा था। ये जो मर्द है ना, इसे एक खिदमत गुजार बीवी बहुत चार्म करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। मेरी जान तुम्हें बसी भी है, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। बहुत कदर करता है वो ऐसी बीवी की जो उसका ख्याल रखे, उसके छोटे छोटे काम अपने हाथ से करे। किस किस्म के इंसान हो तुम, तुमसे अपनी माँ से जरा सी बात नहीं हो पा रही है? अम्मा मैं भी शादी, ये क्या कार्ड लाए हैं आप? जब मैं बहू अपनी मर्जी से ला रही हूँ, शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तारीख अपनी मर्जी की तय कर रही हूँ, तो फिर कार्ड भी मेरी मर्जी के होंगे ना? आप मुँह क्या देख रहे हैं, जाए। हाँ क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। नहीं आ, आ, कोई खास बात नहीं थी। नूरजहां बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। उसकी शादी किसी और से करना और उसको किसी और से करना, मैं सोच रही थी वो एक लड़की इधर अकेली दिख रही है, लेकिन ये कह रही है कोई बेटी नहीं है ना। वो जो फर्स्ट लड़की थी वो कृति भंडारकर जैसी लग रही थी। फीचर्स भाई, इनफैक्ट जो ये वाली नूर जो है मम्मी वाली, ये तो परी विलन लग रही है। इमोशनल में इसे खेल रही है, इट्स नॉट कि वो मुंह पे स्ट्रिक्ट है या कुछ, वो एक अलग गेम खेल रही है। तो नूर जहां में भी जैसे यू नो आगा जी इनके अंदर बोलते हैं किसी बड़े को, वैसे नूर जहां में भी पॉलिटिशियंस में कुछ होता होगा, जैसे ना अपने अंदर राजमाता होती है, समझी, हो सकता है यू नो एक जगह पे, क्योंकि कुबरा का भी एक डायलॉग था जहाँ पे उसने कहा था चार गांव मेरा हाथ चूम, सात गांव तो आई थिंक हो सकता है वो एक डेजिग्नेशन को वैसा हो सकता है, नो आइडिया। बट ये कैरेक्टर अगर जो जिनको ये दिखाया शायद हमने उतना ना देखा हो, लेकिन वो दिख रहे कि वो बहुत एक्सपीरियंस है कोई, वैसे एंड ऑफकोर्स वैसे ही किसी को लिया होगा इतने बड़े रोल के लिए। आई नो, आई थिंक वैसे ज्यादा तो जो मम्मी वाली नूर जहां है वो फाड़ने वाली, क्योंकि वो दिख रही है एकदम स्ट्रॉन्ग और ऊपर जिसको विलन प्ले करने मिलता है ना, वो भी इस टाइप का विलन, एक सॉफ्ट विलन। आई नो, देखे कुछ और करे कुछ और, ऐसे मन का पूरा निकल जाता है ना कि हम कभी मना मुंह पे ऐसा मीठी चूड़ी बन के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ना इसे यार और होने चाहिए थे इसके एक्साइटिंग लगने लगा था, ये करने में बहुत मजा आया। आई थिंक बड़ा मजेदार था नूरजहां। हमने एक्चुअली एक चीज अच्छी की कि जो टीजर 3 के बाद ये लोग ने चेंजेस लाए, इंसान को लगेगा ठीक है साथ नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, और वो टीजर 3 के बाद वो जब गेम प्ले दिख जाए, टीजर 3 बेस्ट था भाई। सबसे फर्स्ट इनका जो फर्स्ट लुक था वो तो और ही अलग लग रहा था, वैसे नॉर्मल सा कुछ लग रहा था, फैमिली में आने हम साथ साथ है टाइप की, ठीक है बाकी सबके लिए तो अच्छी है लेकिन मेरे लिए खराब है। फैमिली में आने की ट्राई कर रही है और वो ऐसा बिहेव कर रही है और जानबूझ के वही सीट पर भाई वो इन लोग के सामने भोली बन रही है, इरादे कुछ और है। यस ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टेक केयर।